हमारे भाई के लिए एकदम फ्री मील तैयार की है, ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई अभी अभी मैं सो के उठा था, टाइम हो रहा दोपहर के एक, क्योंकि भाई रात को मैं थोड़ा लेट आया था इसलिए भाई लेट उठा हूँ। नींद तुम्हारे भाई ने पूरी ली है क्योंकि आज भाई कोई कॉलेज वगैरह नहीं है मेरा, आज सैटरडे, आज पूरा दिन भाई मस्ती वगैरह मारनी है। अभी अभी भाई मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, अब उसके घर जाना है। उसने भाई पनीर सैंडविच वगैरह, जो भाई कल पनीर सैंडविच नहीं बने तो आज वो पनीर सैंडविच वगैरह बनाएंगे और खाएंगे। अब भाई मैं फटाफट नहाता धोता हूँ, हो रहा होता हूँ तैयार। भाई मौसम चेक करो भाई, कनाडा का पेड़ के पत्ते भाई झड़ते चले जा रहे हैं और लाल होते चले जा रहे हैं। जैसी ठंड बढ़ती जाएगी पेड़ के पत्ते झड़ते चल जाएंगे। ये देखो भाई रोड पे कितने पत्ते वगैरह पड़े हैं, ये चेक करो। अब चलते हैं भाई, नहाते हो धोते हैं और होते हैं फटाफट। एक तो यार कनाडा में बहन छो बाथरूम की बड़ी दिक्कत रहती है यार, जब स्टूडेंट हों ज़्यादा तो बहन छो एक दिक्कत बड़ी आती है कि एक बंदे को दूसरे बंदे का वेट करना होता है। मेरा दोस्त घुसा हुआ है बहन छो भोसड़ पप्पू बाथरूम के अंदर, ये निकल नहीं रहा हो। तुम्हारा भाई हो रहा है लेट जाने के लिए, अब इसको कह रहा हूँ जल्दी निकल, देखते हैं अब दोबारा मजे लेते हैं इससे। ब्रो जल्दी निकल, ब्रो ब्रो जल्दी निकल ब्रो। गाली नहीं दे रहा यार मेरा दोस्त, बढ़िया बंदा है वो, गाली दे दे एक आधी। चलो यार वेट करते हैं। भाई नहा धो के हो गया था मैं तैयार, अब उठा लिए साइकिल, अब चलते हैं भाई अपनी फ्रेंड के घर। आपको जाते हुए भाई व्यू दिखाऊंगा रोड का, भाई कनाडा का सारा व्यू दिखाऊंगा, वो चेक करना भाई। बंदे भाई कमेंट में एक दो बंदों ने कहा भी है कि भाई कनाडा का व्यू भी दिखाया करो थोड़ा, भाई वो भी दिखाता हूँ। चलो अब चलता हूँ भाई अपनी फ्रेंड के घर। अपनी बहन के घर पहुंच गया था, अब तुम्हारा भाई बना रहा है सब्जी। देखो इसको सब्जी बना के दे रहे हैं पनीर की, बहन ने कैमरा पकड़ा हुआ है, देख रहे हो तुम्हारे भाई ने सब्जी बना दी ताबड़तोड़। इसके अंदर क्या हो गया था, नमक ज्यादा हो गया था, अब मैंने दूध डाला है। बताओ ब्रो कैसी बनाई है मैंने? करछे हिलाने से कोई सब्जी नहीं बनाता, देख लो भाई तुम्हारा भाई कितना मेहनती है। भाई ये देखो खाना लगाया भाई मेरी बहन ने। एक चीज और दिखाता हूँ भाई, कनाडा के अंदर ये ना ये होती है फिल्टर करने के लिए, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, फिल्टर जग वगैरह कहते हैं इसे। तो ये भाई वैसे कनाडा में जरूरत नहीं होती क्योंकि टूटी का पानी एकदम सही आता है, लोग फिर भी लेते हैं इधर से भाई, इसके अंदर पानी वगैरह डालते हैं फिल्टर होके नीचे चल जाता है। ये रहा भाई पनीर, पनीर के ऊपर भाई मैंने थोड़ा, मेरे को मैं मिर्ची कम खाता हूँ तो चटनी वगैरह डाली है भाई, ये रोटी। अब मस्त बैठ के भाई खाना खाते हैं। भाई खाना वगैरह खा लिया था वो भाई, मैं मजाक से परे हट के बताऊँ भाई, वो पनीर वगैरह मैंने नहीं बनाया था, वो मेरी फ्रेंड ने बनाया था। अब जा रहे हैं भाई हम वॉलमार्ट, अब ये पीछे भाई बस स्टैंड है, उधर जाके भाई खड़े होते हैं और पहुंचते हैं वॉलमार्ट। भाई पीछे देखो गोरे कुत्तों को सैर करा रहे हैं, गोरों की जिंदगी सेट है कनाडा के अंदर, हम साले इंटरनेशनल स्टूडेंट धक्के खा रहे हैं। भाई वॉलमार्ट के अंदर एंटर हो गए थे, ये देखो भाई सामान लगा हुआ है इधर, ये देखो भाई जीन्स वगैरह कितने की है, $24 की, सही है भाई $24, 6, 12 का ले लो, 1600-1700 रुपये की, 1400 की होगी जीन्स इंडिया के हिसाब से। ये देखो भाई ऐसे सामान लगा होता है इधर भाई, वॉलमार्ट बहुत बड़ा स्टोर है कनाडा का। ये देखो भाई आपको व्यू दिखाता हूँ, ये भाई मोबाइल्स वगैरह भी हैं इधर, मतलब हर चीज़ का भाई सेक्शन बना हुआ है वॉलमार्ट के अंदर, जिसको जो चाहिए वो उस सेक्शन में जाके ले सकते हैं। अब सामने टीवी वगैरह का, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन के अंदर आए हैं। ये देखो भाई बाईसाइकिल भी लगी होती है इधर, ये देखो। अब भाई और चीज़ें दिखाता हूँ आपको भाई वॉलमार्ट में, एक चीज़ बढ़िया लगी मेरे को, ये देखो अब जो बेबी वगैरह लाते हैं अपने बेबी को भाई इधर लिटा के बेल्ट से बांध के अपना वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। ये देखो भाई ये चीज़ भाई बहुत बढ़िया लगी वॉलमार्ट के अंदर, जैसे कोई कल्ला बंदा आया बेबी वगैरह लाया अपने भाई बच्चे वगैरह को इधर लिटा के बांध के वॉशरूम वगैरह जा सकता है। ऐसा ना हो बहन छो बच्चे इधर ही छोड़ के चले जाओ, तुम ऐसा नहीं होता भाई, लिखा हुआ है डोंट लीव बेबी अनअटेंडेड। चलो भाई अब चलते हैं वॉशरूम के बाहर। भाई आपको रेट्स वगैरह दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, देखो ये पता नहीं क्या है बहन छो, अरे ये तो खाली है इधर कुछ लगा नहीं है। ये देखो $159 iPads, ये देखो भाई रेट्स चेक करो। ये लैपटॉप वगैरह भाई सोल्ड आउट हो चुका है, ये $200 का।
इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये रही। ये देखो भाई टीवी वगैरह। अभी भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के अंदर घूम रहा हूँ, सेक्शन के अंदर। ये टीवी $748। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यार मेरे को क्यों लगता है भाई कनाडा में सस्ती हैं इंडिया के मुकाबले। इलेक्ट्रॉनिक सस्ता माल है इधर भाई, रिपेयरिंग महंगी है कनाडा के अंदर इंडिया से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग है। बाकी गैजेट्स की कॉस्ट, हर चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा सस्ती है। ये देखो भाई सामने वो लगे हुए हैं, ये क्या है जो डालते हैं हेडफोन वगैरह, ये कितने के हैं $11। ये हो गया यार इंडिया के $55, $550 इंडिया के हिसाब से भाई। ये $29, $43। ये देखो प्राइस चेक करो, माउस देखते हैं। माउस है भाई $49 का। अब एंचो इतना महंगा माउस है, एंचो कौन ही लेगा 3000 का। ये देखो भाई ये है सेल वगैरह, सेल का देखो भाई पूरा पैक मिलता है इधर $15 का। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, गैजेट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है इसके अंदर सारा। ऐसे भाई बड़े सारे सेक्शन बने हुए हैं इधर, बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं भाई, बंदा घूम जाएगा पर सेक्शन ख़त्म नहीं होंगे इधर, इतना बड़ा है भाई वॉलमार्ट। वो एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई ऊपर, ये देखो जैसे लिखा है ना, ये देखो ऐसे हर सेक्शन के आगे लिखा है, ये देखो फार्मा, बेबी एंड टोडलर। तो इस सेक्शन के अंदर, इन लाइनों के अंदर ये चीज़ अवेलेबल होगी भाई। फ़ोन दिखाता हूँ आपको, S23 Ultra। ये देखो S23 Ultra, इसका प्राइस देखो। अगर ये कंपनियाँ होती हैं, ये हर महीने का प्लान होता है, प्लान कब तक है, मंथली प्लान है 24 महीने तक, $41 देने हैं 24 महीने तक। फ़ोन उठा लो, अलग अलग कंपनी का प्लान है। ये भाई कंपनी है सिम की, जो है बेल है, अगर इसकी सिम लेते हो, इसके साथ प्लान लेते हो, तो इतने इतने डॉलर पे वगैरह करने पड़ेंगे, तभी बहन छो भाई कनाडा में बंदे उठा लेते हैं फ़ोन कोई भी। क्यों? क्योंकि भाई किस्तें वगैरह मतलब सस्ती होती हैं, इतनी ये महंगी नहीं है। $33 $6-12 $18 $1800 इंडिया का बन गया 1800। और एक दूसरा फ़ोन दिखाता हूँ, 15 का बड़ा क्रेज़ है भाई लोगों में। देखो ये है आईफोन 15 प्रो, इसकी देखो भाई 33, 37, 36, 33। ये देखो भाई ये है आईफोन 15, इसकी देखो 33, 32.8। तभी भाई कनाडा के अंदर बंदे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फटाफट ले लेते हैं। बहन चो हम इंडिया में सोच रहे होते हैं, अरे बंदे ने 15 उठा लिया, अरे बंदे ने 6 ये उठा लिया, वो उठा लिया, लोड़ा लसन उठा लिया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भाई इधर कोई भी उठाया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। आपने फ़ोन के प्राइस भाई देख लिए, आधे ज़्यादा बच्चे भाई किस्तों पर ही लेते हैं, कैश भाई कम ही लेते हैं, क्योंकि यार किस्तें तुम देख ही रहे हो इतनी ज़्यादा नहीं है भाई। अब भैया मैं हूँ टॉयज़ सेक्शन में, टॉयज़ मतलब ये देखो भाई क्या क्या इधर, ये देखो भाई सारी गेम्स वगैरह हैं भाई। ताश दिखाता हूँ कितने सस्ते हैं, ये देखो $1 का, सिर्फ $1 कितने हो गए भाई इंडिया के ₹55। कुछ कुछ चीज़ें भाई इधर सस्ती हैं, कुछ कुछ चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ये भाई सारे टॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं इधर, ये देखो ये सारे बच्चों के खिलौनों के लगे हुए हैं। कोई नहीं भाई, मेरे बच्चे होंगे उनके लिए यहीं से खिलौने लिए जाएंगे वॉलमार्ट से, टेंशन नहीं लेनी। अब भाई और सेक्शन वगैरह दिखाता हूँ आपको, ये भाई टॉयज़ का सेक्शन बहुत। ये अब लड़कियों के सेक्शन में आया था कनाडा में भाई, एयरिंग्स देखो कैसे होते हैं, साढ़े इतने महंगे एयरिंग्स, ये देखो भाई $7 के, और ये हैं साले थर्माकोल के। और ये देखो भाई लड़कियों को ये पसंद, ये डाला करो भाई सारी लड़कियां, मैं ये सजेशन दूंगा, ऐसे एयरिंग्स डाला करो ऐसे, ये झुमरू वाले घुमरू वाले। और देखो भाई ये सारा भाई लड़कियों का सेक्शन है भाई, लड़कियों का सेक्शन सबसे ज़्यादा महंगा भाई। भाई लड़कियों के जितने के एयरिंग्स हैं उतने में तो भाई लड़कों की दो टी शर्टें आ जाएं, इतना महंगा सेक्शन है भाई लड़कियों का। अब पता लगता है भाई लड़कियों के खर्चे कहाँ जा रहे हैं, इतना खर्चा जाता कहाँ है। कनाडा के अंदर देखो वॉलमार्ट के अंदर, ये देखो क्या लिखा हुआ है बहन छो, ₹20 लिखा हुआ है। इन चूतियों को समझाओ कि बहन छो अगर ₹20 लेके आ गए इंडियन करेंसी हम, तुम दोगे लोला देंगे बहन छो, लिखा ₹20 हुआ है, और काटेंगे साले डॉलर के अंदर पैसे। कनाडा के अंदर भाईचारा बनाने का बड़ा फायदा होता है भाई। मेरी एक फ्रेंड थी, वो लगी है मैकडोनल्ड के अंदर उधर, भाई तुम्हारे भाई के लिए एकदम फ्री मील तैयार की है। ये देखो क्या क्या तैयार की है, ये सैंडविच सब फ्री पड़ा है ब्रो मेरे को, सब फ्री। अब इसको लपालप खाते हैं। ये देखो भाई प्राइस चेक करो कितना लिखा है, $0 इसे कहते हैं भाईचारा ब्रो। भाई भाईचारा निभा गई भाई मेरी फ्रेंड। अब इसको भाई फटाफट डफते हैं और इधर से निकलते हैं बस स्टैंड की तरफ।
वॉलमार्ट से निकल गए थे, ये रहा पीछे वॉलमार्ट दिख रहा होगा आपको। अब ये सामने है बस स्टैंड, ये बच्चे बेचारे खड़े हैं ठंड में ठिठुर रहे हैं। चलो भाई अब जाए खड़े होते हैं बेंचों में। बच्चे बच्चे ऐसे कहता हूँ जैसे साले मेरे से कम उम्र के हैं। मैं खुद 22 साल का घोड़ा हूँ, 22 नहीं तुम्हारा भाई 23 का हो गया यार, कम उम्र बता रहा हूँ मैं भी अपनी। अक्टूबर का जन्म है मेरा 2000 का। चलो भाई अब बस स्टैंड पहुँचता हूँ और बस में चढ़ता हूँ। भाई मैं अभी अभी फटाफट घर पे आया था अपने फ्रेंड के, तो भाई एक भाई है उनका फ़ोन आया यूके से, एक वीडियो वगैरह शूट करनी है हमने यूट्यूब के लिए। अब वो शूट कर रहे हैं भाई, ये सामने लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप से भाई गूगल मीट वगैरह कनेक्ट करते हैं और शूट करेंगे कैमरे से। अब भाई फटाफट एयरबड्स वगैरह लेके आया हूँ मैं, ये डालता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ। भाई भाई बहुत देर से वेट कर रहा है भाई, यश भाई। चलो भाई वीडियो शूट कर। भाई तुम्हारा भाई घर पे आ गया था। भाई तुम्हारा भाई घर पे आया है, 3 बज रहे हैं भाई रात के, 3 नहीं भाई एक तरीके से 4 ही ले लो। भाई मैं पाजी के घर था, पाजी के घर भाई खप खाना किया पूरा भाई, एकदम से 1:30 बजा। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने कहा यार ये 1 बज गया। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कोई सीन हुआ होगा, मेरे को देखने में गलती होगी होगी। फिर भाई पता चला कि कैनेडा का टाइम चेंज हो गया, 1 घंटा कम हो गया है। जैसे 2 बज रहे थे सबकी घड़ी में, एकदम से 1 बजने लग गया, 1 घंटा इन्होंने पीछे किया है। आज का भाई व्लॉग देखना भाई, वॉलमार्ट वगैरह गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।